दिल्ली सरकार ने जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट, कहा टैंकर माफियाओं पर कार्रवाई नहीं कर सकती दिल्ली सरकार, यमुना पार हरियाणा से ऑपरेट करते हैं टैंकर माफिया। दिल्ली में जल संकट पर एक्शन में जल मंत्री आतिशी, अक्षरधाम के पास वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का लिया जायजा, एडीएम एसडीएम और तहसीलदारों की टीम के साथ की चेकिंग। राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत जारी, चाणक्यपुर इलाके में टैंकरों के आते ही मची अफरा तफरी, कुछ लोग टैंकर के ऊपर भी चढ़े। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी की पहली विदेश यात्रा, इटली में G7 की बैठक में शामिल होंगे। विदेश सचिव विनय मोहन कवात्रा ने बताया इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर पीएम मोदी G7 की बैठक में होंगे शामिल। 14 जून को G7 का शिखर सम्मेलन। पीएम मोदी 14 जून को आउटरीच सेशन में लेंगे हिस्सा, इस सेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी और अफ्रीका जैसे मुद्दों पर रहेगा फोकस। पीएम मोदी G7 के देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ करेंगे मुलाकात, भारत और वैश्विक मुद्दों पर करेंगे चर्चा। G7 शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्राध्यक्षों का इटली पहुंचना शुरू, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो पहुंचे अपुलिया। G7 की बैठक से पहले इटली के अपुलिया में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सभी अहम इमारतों पर स्नाइपर्स किए गए तैनात। नीट परीक्षा रिजल्ट पर बवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट से आई सबसे बड़ी खबर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपनी गलती मानी। नीट रिजल्ट से ग्रेस मार्क्स हटाएगी सरकार, एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी, 1563 छात्रों के लिए दोबारा होगी परीक्षा। 23 जून को 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का मिलेगा विकल्प, सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने दी जानकारी। 30 जून से पहले आएगा रिजल्ट, 6 जुलाई को शुरू होगी काउंसलिंग। दोबारा परीक्षा नहीं देने वाले छात्रों का बिना ग्रेस मार्क्स के जारी होगा रिजल्ट, 23 जून को होगी दोबारा परीक्षा। नीट परीक्षा रिजल्ट धांधली के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से किया इनकार, मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। नीट परीक्षा कंट्रोवर्सी पर बोले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मामले में दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा छात्रों के साथ न्याय करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध, पेपर लीक होने के कोई सबूत नहीं, कोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हैं। नीट परीक्षा रिजल्ट को लेकर सियासत भी तेज, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की, कहा नीट घोटाले पर ध्यान देने की जगह पीएम विदेश यात्राओं में व्यस्त है। एमपी के छिंदवाड़ा में पैतृक घर पहुंचा शहीद कबीर दास का पार्थिव शरीर, सीआरपीएफ डीआईजी नीतू सिंह ने शहीद के परिवार से की मुलाकात, जताई संवेदना। जम्मू कश्मीर में फिदायीन हमले को लेकर हाई अलर्ट जारी, अगले 48 से 72 घंटों में सुरक्षा बलों के बेस पर आतंकी हमले की प्लानिंग का मिला इनपुट। पुलिस को मिली खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू और राजौरी इलाके के सुंदरबनी, नौशेरा, लंबेरी, अखनूर और डोमाना इलाके में हो सकता है फिदायीन हमला। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़, एसओजी के एक कांस्टेबल फरीद अहमद घायल। कांस्टेबल फरीद अहमद को इलाज के लिए डोडा के सरकारी मेडिकल अस्पताल में भेजा गया, फिलहाल हालत स्थिर। जम्मू कश्मीर के डोडा में बढ़ाई गई सुरक्षा, गंडो इलाके में आतंकी हमले के बाद तैनात किए गए सुरक्षा बल। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डोडा जिले में सक्रिय 4 आतंकवादियों के स्केच जारी किए, जानकारी देने वालों को 5 लाख के इनाम का किया ऐलान। जम्मू में युवा राजपूत सभा ने किया प्रदर्शन, राज्य में आतंकी हमले को लेकर जताया विरोध। पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के सीएम और चौना मीन ने डिप्टी सीएम पद के लिए शपथ, ईटानगर में गवर्नर भुवन चंद्र खंडूरी ने दिलवाई शपथ। रक्षा मंत्रालय में राजनाथ सिंह ने फिर संभाला रक्षा मंत्री का पदभार, कहा डिफेंस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कर रहे काम। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संभाला पदभार, राज्य मंत्री जयंत चौधरी और सुकांत मजुमदार भी साथ, शिक्षा मंत्रालय में लिया चार्ज। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी संभाला चार्ज, कोल एंड माइंस मंत्री के रूप में ग्रहण किया पदभार। राज्यसभा जाएंगे अजीत पवार की पत्नी सुनीत्रा पवार, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बारामती सीट पर ननद सुप्रिया सुले से मिली थी शिकस्त। नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार ने भी संभाला चार्ज, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में ग्रहण किया पदभार। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी की पोस्ट, लेखा चुनाव रिजल्ट के बाद देश में मुसलमानों पर बड़े हमले, के आरएसएस मुसलमानों से ले रहा बदला, कई घटनाओं का किया जिक्र। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की पोस्ट, बिहार में लगातार अपराधों में बढ़ोतरी का किया जिक्र, लिखा डबल इंजन सरकार के दौरान हर जगह कानून व्यवस्था ध्वस्त। तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे आंध्र प्रदेश के नए सीएम चंद्रबाबू नायडू, मंदिर में दर्शन पूजन कर लिया आशीर्वाद। उड़ीसा सीएम मोहन चरण मांझी सभी मंत्रियों के साथ जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, दर्शन कर लिया आशीर्वाद, कल हुआ था शपथ ग्रहण समारोह। उड़ीसा सीएम मोहन मांझी का बयान, बोले आज से खोले गए भगवान जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार, कल हुई कैबिनेट बैठक में पास किया गया था प्रस्ताव। बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद कमलेश पासवान पहुंचे उज्जैन, महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की पूजा कर लिया आशीर्वाद। दिल्ली में भारत रत्न एलके अडवाणी के घर पहुंचे नितिन गडकरी, एलके अडवाणी से मुलाकात कर लिया आशीर्वाद। पूर्व सीएम बीएस येदुरप्पा को सीआईडी समन पर बोले कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर गुंडू राव, कानून सभी के लिए बराबर, पुलिस कर रही अपना काम, आरोपों पर फैसला करेगी कोर्ट। आप विधायक अमानतुल्ला खान और उनके बेटे अनस खान को राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, यूपी सरकार से मांगा जवाब। नोएडा में पेट्रोल पंप पर मारपीट का मामला। भोपाल में छिपको आंदोलन की शुरुआत, 30 से 50 साल पुराने हजारों पेड़ों के काटे जाने की खबर पर फैला गुस्सा, मंत्रियों विधायकों के लिए बनने हैं नए अपार्टमेंट्स। भारत ने विनाशकारी लैंडस्लाइड से जूझ रहे पापुआ न्यू गिनी को दी मदद, $1 मिलियन की सहायता, 19 टन राहत और मेडिकल सामग्री की सप्लाई भेजी। तमिलनाडु के
वेदारण्यम में दो श्रीलंकाई मछुआरों को रेस्क्यू किया गया। नाव में तकनीकी खराबी के चलते भारतीय क्षेत्र में आ गए थे श्रीलंकाई मछुआरे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट की तस्वीरें की शेयर, लिखा सभी चार ट्रैक पर 25 गार्डर रखे गए, रिकॉर्ड 12 घंटे में पूरा हुआ काम। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे, शहीद सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित की। भोपाल में पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस का उद्घाटन, सीएम मोहन यादव ने राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर की योजना की शुरुआत। गुंटूर में आरपीआई पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बोरुगड्डा अनिल के दफ्तर में आग, अज्ञात बदमाशों ने लगाई आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के कन्नौज में अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई, अवैध दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर।